हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चना दाल से एक बहुत ही टेस्टी गोवा की मिठाई जो वहाँ की शादियों में बनती है। ये मैंने एक कटोरी दाल को भिगो लिया है, ओवरनाइट सोक कर लिया और इसका पानी निकाल दिया है। इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे और इसमें साथ में हम डालेंगे ये नारियल का बूरा। ये मैंने एक कटोरी दाल ली है और ये हम इसमें आधी कटोरी नारियल का बूरा डाल रहे हैं और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, बारीक पीसना है। सो व्यूअर्स, हमने दाल को पीस लिया है और कढ़ाई में हमने ये एक चमचा बड़ा चमचा देसी घी गरम किया है। इसको हम गरम करने के बाद में अपना ये दाल का मिक्सचर इसमें डालेंगे और इसको हम बहुत ही धीमी आंच पे भूनेंगे लो फ्लेम पे, ताकि हमारी दाल जले ना। और इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरह से, ये चारों तरफ से सिक जाए, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। सो व्यूअर्स, हमारी दाल भुनना शुरू हो गई है। इसको भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे तो। सो व्यूअर्स, हमारा डोस का मिक्सचर अच्छे से भुन गया है, ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया है दाल का। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये काला हो जाएगा और कड़वा लगेगा, नारियल की भी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर को भी हमने लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है। ये मैंने एक कटोरी चीनी डाली है। थोड़ी देर में हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये इसमें घुल जाएगी, इसकी ये हलवे जैसा बन जाएगा। फिर हम इसको सेट करेंगे। सो व्यूअर्स, हमारी शुगर मेल्ट हो गई है। मैंने होल शुगर डाली थी तो वो थोड़ी देर में मेल्ट हुई है। आप इसमें थोड़ी सी मलाई या दूध भी डाल सकते हैं अगर आपकी शुगर मेल्ट होने में टाइम लग रहा है तो। आधा चम्मच या एक चम्मच बस इतना डालना है, अदरवाइज आप इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इकट्ठा करेंगे अपनी कढ़ाई में। जब ये इकट्ठा होने लग जाएगा फिर हम इसको अपने मोल्ड में सेट करेंगे। मोल्ड आप अपने तरह का कोई भी ले सकते हैं, कोई बाउल ले सकते हैं। मैं इसको बनाऊंगी आज अप्पा मोल्ड में, छोटे छोटे क्यूट से पोर्शन। सो व्यूअर्स, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची क्रश करके डालेंगे, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हम अब अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको हम मोल्ड में सेट करेंगे। सो व्यूअर्स, आज हम इसको सेट करेंगे ये क्यूट से अप्पा पैन के मोल्ड में। इस ये नॉनस्टिक है इसीलिए मैं घी नहीं लगा रही हूँ। अगर आपका पैन नॉनस्टिक नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा घी लगा सकते हैं। और इसमें हम फिनिशिंग के लिए डालेंगे थोड़े से आलमंड, ये चॉप्ड आलमंड हैं, आप कैश्यू भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े आलमंड और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी, कोकोनट का टच देंगे क्योंकि इसमें कोकोनट का टेस्ट है। बाकी मोल्ड में मैं कोकोनट डालूंगी। मैंने आधे में आलमंड डाले हैं चॉप्ड और आधे में मैंने कोकोनट डाला है। अब हम इसको फिल करेंगे, इस तरह से प्रेस करना है इसको पूरी तरह से। सो व्यूअर्स, इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है और ये ऐसे ही डीमोल्ड हो रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसको प्लेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हाथ से प्रेस करने पे ही निकल रहा है और कितना क्यूट लग रहे हैं ये हमारे शेप। सो व्यूअर्स, मैंने इनको प्लेटिंग कर लिया है। अब हम इसको थोड़े से आलमंड डाल के, चॉप्ड आलमंड डालेंगे और इसको सजाएंगे। सो व्यूअर्स, ये गोवन रेसिपी बनाइए और एन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।